हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके टॉपर्स। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर आपके लिए जो है एक इजी क्वेश्चंस हैं, जिसको भी क्वेश्चंस का आंसर पता होगा वो कमेंट सेशन में लिख सकता है। सो ये क्वेश्चन रहेंगे आपके जेकेपी बॉर्डर बटालियन फॉर बॉयज़ के लिए, जिनका जो है अभी रिटर्न जो है नहीं हुआ है, उनके लिए यहाँ पर ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इजी क्वेश्चन है। सो बॉयज़ से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो है आता है तो कमेंट सेशन में ज़रूर उसका आंसर दीजिए, ताकि आप स्टूडेंट्स को भी पता चल सके कि कितनी जो है प्रिपरेशन ऑफ दी हाफ ऑफ दी प्रिपरेशन आपने जो है कर दी है। ठीक है। सो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि डेली की जो अपडेट्स हैं वो आपको नोटिफिकेशन आती रहे। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इजी क्वेश्चंस हैं, साथ साथ में आंसर ज़रूर बताइएगा। मैं बार बार कह रही हूँ, कमेंट सेशन में ज़रूर अपना आंसर जो है ड्रॉप कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर दी फर्स्ट सीरियल्स ग्रोन बाय इंडियंस। ठीक है। तो पहले सीरियल्स जो है वो कौन सी इंडिया में उगती है वो आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए जो है बाय मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर राइस है। ठीक है। राइस, शुगर केन, वीट एंड बार्ले, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है। तो जल्दी से अपना कमेंट सेशन में आंसर बताइए। यस, फर्स्ट सीरियल्स जो है हमारी दैट इज़ वीट एंड बार्ले। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर, द नेम इंडिया, इंडिया के वर्डिंग थोड़ी गलत लिख दी है, वॉज ड्राइव फ्रॉम द रिवर नेम। ठीक है। सॉरी, ये इंडिया नहीं, ये आपका आएगा इंदस। ठीक है। सो जो नाम है एक इंदस का, इंदस रिवर का, वो कहाँ से जो है लिया गया है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो वो लिया गया है आपका कहाँ से, सिंधु से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द फर्स्ट इंदस साइट, इंदस वैली सिविलाइजेशन, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होगी उनको यहाँ पर पता होगा कि फर्स्ट इंदस की साइट कौन सी है। ठीक है। तो कौन सी है, मोहनजोदड़ो, हरप्पा, लोथल या बनावल। आपका आंसर जो है हरप्पा। ठीक है। हरप्पा जो है ये इंदस वैली की जो है इंदस साइट की फर्स्ट साइट है, कौन सी, हरप्पा। ठीक है। अब यहाँ पर बात की जाती है तो यहाँ पर पूछा गया है कि इन विच ईयर दी हरप्पन साइट वॉज एक्सकेप्टेड। ठीक है। हरप्पन साइट की जो है खुदाई कब की गई थी, कब की गई थी, 1921 में, 1920 में, 1922 और 1923। सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1921 में जो है हरप्पन साइट की खुदाई जो है यहाँ पर की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ दी आर्कियोलॉजिस्ट हरप्पन साइट वॉज डिस्कवर्ड। ठीक है। उस आर्कियोलॉजिस्ट का नाम बताना है जिसने जो है हरप्पन साइट जो है वो डिस्कवर्ड की थी। ठीक है। कौन है आपके, आर डी बनर्जी, डी आर सानी, टी के टेपर या नन ऑफ दीज। तो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। सही आंसर जो है इसका ऑप्शन बी आपका जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरप्पा वाज लोकेटेड ऑन द रिवर, किस रिवर पर जो है हरप्पा वहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है। किस रिवर पर है हरप्पा, सिंधु, गंगा, रावी या नन ऑफ दीज। तो जल्दी से बताइए। यस, सही आंसर आपका जो है रावी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो वॉज एक्सकेप्टेड इन ईयर। ठीक है। मोहनजोदड़ो जो हैं इसकी जो खुदाई है
कब कौन से ईयर में यहाँ पर की गई थी। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, 1922। ठीक है, 1921 में किस की जो है एक्सकेविटेड की थी, हरप्पा की, हरप्पा साइट की। ठीक है, और 1922 में मोहन जदारो की। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एट्थ क्वेश्चन है, वेयर इज़ मोहन जदारो सिचुएटेड। मोहन जदारो जो है वो कहाँ पर है, लौथल में है, हरियाणा में है, लरखाना में है या फिर पंजाब में है, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। लरखाना में। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए स्टूडेंट्स, सो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, सो मोहन जदारो की जो है खुदाई किसके द्वारा जो है की गई थी, आर डी बनर्जी, डॉक्टर सानी, डॉक्टर सुकर्णो या नन ऑफ दीज। आर डी बनर्जी की तरफ से जो है मोहन जदारो की खुदाई की गई थी इसकी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये देखिए यहाँ पर, द वर्ड मोहन जदारो इन सिंधी लैंग्वेज मीन्स। ठीक है, मोहन जदारो का जो मतलब है सिंधी लैंग्वेज में क्या मतलब है इस वर्ड का, मोहन जदारो का। सो यहाँ पर देखिए, कल्चर, नॉलेज, एक्सकेवेशन या माउंट ऑफ डेड। वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछता है यहाँ पर, वेयर इज़ बनवाली सिचुएटेड। बनवाली सिचुएटेड, ठीक है, बनवाली जो है ये कहाँ पर है, हरप्पा में, गुजरात में, पंजाब में या हरियाणा में। तो ये है आपका बनवाली सिचुएटेड कहाँ पर है, हरियाणा में। कहाँ पर, हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, इन विच ईयर काली भाग वॉज एक्सकेप्टेड। ठीक है, काली भाग की जो है खुदाई जो है कौन से ईयर में की गई थी, 1923, 24, 1930, 1953, जल्दी से बताइए। ऑप्शन 1953, डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कालीबाग की जो खुदाई है 1953 में जो है यहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर पूछा गया है कि इसके जो हैं कौन आर्कियोलॉजिस्ट कौन है कालीबागन के। ठीक है, ए घोष, टी के टैपर, वाई डी शर्मा या एस आर राव। तो वो हैं आपके ए घोष। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच इज़ फर्स्ट मैन मेड पॉट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो फर्स्ट, पहला मैन मेड जो आज इंसान ने पॉट बनाया था पूरे वर्ल्ड का, उसका यहाँ पर वो कौन सा है, क्विलन, लॉथल, मुजरिस या नन ऑफ दीज। सही आंसर आपका जो है ऑप्शन बी है। ठीक है, लॉथल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच इज नाउन एज 18 डेज ऑफ बैटल। ठीक है, किसको जो है यहाँ पर 18 डेज ऑफ बैटल के नाम से भी जाना जाता है, बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, बैटल ऑफ हिदासपुस, बैटल ऑफ पानीपत या नन ऑफ दीज। बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र को जो है 18 डेज ऑफ बैटल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास, मानुस्मृति वॉज ट्रांसलेटेड इंटू इंग्लिश बाय। मानुस्मृति जो है ये ट्रांसलेट की गई थी इंग्लिश में किसके द्वारा, मैकुले के द्वारा, जे एस मिल के द्वारा, विलम जॉन्स के द्वारा या मैक्स मुलर के द्वारा। जल्दी से बताइए कमेंट सेशन में आंसर इसका, कि इसका जो है सही आंसर क्या होगा।
सही आंसर विलम जॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु यूज्ड आयरन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, किसने यहाँ पर जो है पहली बार इंडिया में जो है यहाँ पर जो आयरन है वो यूज़ किया था। द्राविडियंस, आर्यंस, पोर्टुगीज या नन ऑफ दीज, जल्दी से बताएं कि आयरन सबसे पहले जो है इंडिया में किसने यूज़ किया था, आर्यंस ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास हु ट्रांसलेटेड अर्थशास्त्र इनटू इंग्लिश, ठीक है, ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में किसने, यहाँ पर मानू ने या साइम शास्त्री ने या मैक्स मुलर ने या नन ऑफ दीज। सही आंसर आपका जो है ऑप्शन बी, साइम शास्त्री जो है इन्होंने यहाँ पर अर्थशास्त्र जो है यहाँ पर ट्रांसलेट किया था किसमें, इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, ठीक है, जैनिज्म है ये, ठीक है। सो जैनिज्म के जो है फाउंडर कौन हैं, स्वामी विवेकानंद, कीर्ति वर्मान, वर्धमाना महावीरा या नन ऑफ दीज, कौन है जैनिज्म के फाउंडर, जल्दी से बताएं, वो हैं आपके वर्धमाना महावीरा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 20 क्वेश्चन जो है वो आ गया आपके पास, द वर्ड जैना वॉज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड, ठीक है, ये वर्ड जो है जैना कहाँ से लिया है, जीना से, जैना से जीना जाना, ठीक है, सी जीना से, ठीक है, जे आई एन ए, ठीक है, इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड जैना। अब जो है वर्ड जो वर्ड है जीना, इसका मतलब क्या है, पावर, विक्ट्री, विजडम या कंक्यूरर, सही आंसर डी आपका जो है ऑप्शन सही है, कंक्यूरर, ओके। कहीं पे डाउट आ रहा है तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd क्वेश्चन है आपके पास, हु वॉज द फादर ऑफ वर्धमाना महावीरा, फादर कौन है इसके वर्धमाना महावीरा के, वो है आपके ऑप्शन ए सिद्धार्था। नेक्स्ट है आपके पास जैन स्क्वायर्ड टेक्स्ट आर कॉल्ड संगस, अंगस, हाइमंस या नन ऑफ दीज, ऑप्शन बी आपका जो है बिल्कुल सही है, अंगस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास, हाउ मैनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर देयर टूडे, जल्दी से बताना इसका आंसर कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पर कितने जो हैं साइट्स आज जो हैं यहाँ पर हैं, ठीक है। 1936, ठीक है, सॉरी 936, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास द वर्ल्ड हेरिटेज फंड वॉज क्रिएटेड ऑन, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज फंड जो है ये कब क्रिएट किया गया था, 1972, 70, 73 और 74, सही आंसर हो जाएगा आपका 1972, ठीक है, नोट कर लीजिए, कॉपी पेन साथ रखिए, नोट करते रहिए इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है आपके पास बुद्धिज़्म ऑरिजिनेटेड इन, ठीक है, बुद्धिज़्म ऑरिजिनेटेड इन कब जो है ये ओरिजिनेट हुआ था बुद्धिज़्म, 6th CBC में, ठीक है, ऑप्शन बी आपका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके जो फाउंडर हैं बुद्धिज़्म के कौन हैं, जल्दी से बताएं, छत्रपति शिवाजी, गौतम बुद्ध, विक्रमादित्य सेकेंड या नन ऑफ दीज़,